Hello class 4th, how are you? I know that you're fine at home. बहुत मजा आ रहा है खेल कूद में, है ना? लेकिन हमने पढ़ाई शुरू कर दी है और आप लोग भी मतलब इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं. आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में पता है क्या पढ़ने वाले हैं? ये लेसन नंबर 1 रिवीजन का, ठीक है? कौन सी बुक से? आपकी पर्ल्स की बुक से, क्लास 4th की. ओके, तो रिवीजन हमारा लेसन नंबर 1 है. ओके, अब रिवीजन में क्या है स्टूडेंट्स? रिवीजन मतलब वो पोर्शन होता है जो आपने पिछले साल पढ़ा, अब इस साल उसको आप शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? पिछले साल आपने पढ़ा होगा नंबर नेम्स. जैसे अगर मैं नंबर नेम्स की बात कर रही हूँ तो ये कोई नया आइडिया तो है नहीं. आपने केजी 1 से नर्सरी से नंबर्स पढ़ना शुरू कर दिया है. आपको NE1, TWO2, THR3 तो केजी क्लासेस से लर्न करते आ रहे हैं ना, तो ये नंबर नेम्स उसी से जुड़ा होता है. मान लीजिए मैं ये नंबर बोल रही हूँ आपको 45. सो इसको आपको इसका नेम लिखना है. सो हाउ विल यू राइट? FORTY 45. लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ पता है वो क्या करते हैं. एक गलती बहुत कॉमनली करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं 45 को FORTY 40 और FIVE 5. तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये बिल्कुल रॉन्ग है. 40 में यू बिल्कुल नहीं लगता है. आपको ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है कि 40 की स्पेलिंग लिखते समय आप यू वहां पर स्पेल नहीं करेंगे. ओके किड्स, तो 40 की स्पेलिंग क्या है? FORTY. ओके, तो आइए हम रिवीजन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या. नंबर नेम्स लिखना है. क्वेश्चन ए है राइट नंबर नेम्स. अब नंबर नेम्स में सबसे पहला नंबर है ए में नहीं है, ये बी में है. बी में आपको नंबर नेम्स लिखना है और ए ने पहले से नंबर नेम्स दिए हैं उनके लिए आपको न्यूमरल्स लिखना है. न्यूमरल्स यानी नंबर लिखना है, ठीक है? तो बी में पहला क्वेश्चन है जहां पर आपको नंबर नेम्स लिखना है, वो पहला क्वेश्चन है 9649. ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है क्या आपको? नहीं, क्योंकि आप भी तो बड़े बन चुके हैं, आप थोड़ा से फोर्थ में जा चुके हैं, तो आपको अब थोड़ा सा हैबिट बनाना पड़ेगा कि थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आपको पढ़ना है. अब पढ़ने की बात आ गई तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे वंस, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000. ऐसा हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि हम इन पीरियड्स को ऐसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000. So, जिस जगह पर वो नंबर है उस जगह से आपको शुरुआत करनी है. 9000 के प्लेस पर है तो 9000, 600 के प्लेस पर है तो 600, 410 के प्लेस पर है तो 40, 1s के प्लेस पर 9 है तो 9. मतलब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 9000. Six thousand eleven.
तो यहाँ पर आप लिखिएगा वन्स, देन टेन्स, देन हंड्रेड, देन थाउजेंड, ठीक है? या फिर मैं क्लियरली लिख देती हूँ नीचे थोड़ा सा, 6011. This is one, this is ten, this is hundred, this is thousand. So how will you read this, students? कैसे पढ़ेंगे आप इसको? You will read like this. Six is kept on thousands place, so it will be 6000. There is zero at the place of hundred. So none of the hundred you have to say here. कोई hundred नहीं है. Tens है one, और one के place पर है one. तो ये हो जाएगा 6011, ओके? 6000 की प्लेस पर 6 है और 11 तो आपको दिख ही रहा है, 100 की प्लेस पर तो कुछ है ही नहीं, सो आप बिल्कुल लेंगे ही नहीं उसका. क्या होगा फिर वो 6011? कैसे लिखेंगे इसको? हाउ विल वी राइट दैट? 6011. So, इसके जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई करोगे उसको सॉल्व कर लेगा. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज ए. नाउ ए हैज write the number names, numbers for the given number names. Write the numbers for given number. क्या हुआ इस heading का मतलब? Write the numbers for given number names. For given number names. मतलब अभी मैं यहाँ पर number names लिखूंगी, आपको लिखना है numbers. Okay? पहले हमने क्या किया था? Numbers लिखा था, उसके लिए number name लिखा था. अब number name लिखेंगे, उसके लिए आपको number लिखना है. देखिए क्वेश्चन इज 2301. सो 1000 की प्लेस पर 2 आएगा, 100 की प्लेस पर 3 आएगा, 2301. टेंस की प्लेस पर कुछ नहीं है, ठीक है? अगर हम पीरियड्स लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि थाउजेंड सुनाई आ रहा है तो थाउजेंड तक आपको पीरियड्स लिखना है. कैसे लिखेंगे? वन्स, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ओके, सो वन्स की प्लेस पर क्या आएगा? वन्स की प्लेस पर है वन. ओके, हंड्रेड की प्लेस पर है थ्री. ओके, एंड थाउजेंड की प्लेस पर है टू. सो 2301. टेंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो आप लगा दीजिए जीरो. ओके स्टूडेंट्स, जो पीरियड आपको नहीं मिल रहा है उसके लिए आपको क्या लेना है? जीरो. तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको? 2301. इट हैज बिकम स्लैंग. This is your answer. अब जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं लेती हूँ यहाँ पर 5000, 800,
824. How will you write the number for these? You will, if you get little confusion, then you will do what? You write the periods as we have written ones, tens, hundred and thousand. ऐसे periods लिख देना है आपको, फिर thousand की जगह पर thousand लेना है, hundred की जगह पर hundred लेना है, tens की जगह पर tens and ones की जगह पर ones. आपको बिल्कुल भी difficulty नहीं होगी, so 5000, 800, 24. हो गया? The answer is very easy. Now you get homework quickly. Homework. Try to solve. You can ask the queries. Okay, students, अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप जरूर जरूर पूछिएगा. लेकिन पहले try करना है. Try to solve question. C, D, and E of lesson number 1. Okay, bye bye for now. We shall meet soon.